मुख्य सचिव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल में किए जा रहे विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी हासिल किया। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल कुमार, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, सीडीओ अनुज सिंह, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने मंडल में ODF प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की क्रमवार समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं को प्रमुखता से लेते हुए समय अनुसार पूरा करें, जिससे शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल किया जा सके। जो रिपोर्टिंग हुआ मैं नाम बताना चाहूँगा, फिरोजाबाद, शेखपुरी, कासगंज, इलाहाबाद, कौशाम्बी, मऊ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, महोबा, होंडा, श्रावस्ती, अमेठी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, औरैया, कानपुर नगर, लखनऊ, रायबरेली, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, रामपुर, संभल, मुजफ्फरनगर, शामली, चंदौली, वाराणसी, इन उसकी स्थिति में जो सबसे खराब जो 10 जिले हैं, अगर मंडल वार देखा जाए तो देवीपाटन जो है उसमें मात्र 64% ODF वार्ड घोषित हुए हैं। उसके बाद बस्ती, आजमगढ़ और गोरखपुर, ये चार मंडल जो है ये स्थिति खराब है। इन्होंने बस्ती में जो है मात्र 31.58% 24 वार्ड ODF घोषित किए हैं। मुंडा में मात्र 46%, ये ऐसे हैं सर जिसमें ODF वार्ड कितने कम है, कितने वार्ड इतने करना है। एटा, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, हरदोई, लखनऊ, चंदौली, रायबरेली, ये सब भी पिछले सप्ताह की प्रगति सुने हैं। खीरी, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, उन्नाव, इलाहाबाद वार्ड नए ODF घोषित नहीं किए। जो जो रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन डेट है पर सप्ताह, उसके हिसाब से भी जो 2 फिगर से भी कम थे वो जिले से फतेहपुर, उन्होंने 12-7 बनाने थे हर सप्ताह, मात्र 6 बनाया है, ये मात्र 3 बनाए। तो ये लोग उनका कई जिलों में टॉयलेट बन गए हैं, फतेहपुर।